स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन फर्स्ट T20 मैच रिव्यू। तो बिना देरी किए आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच एडिलेड ओवल एडिलेड के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 1:40 पे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 25 नवंबर को एडिलेड स्ट्राइकर वुमन वर्सेज मेलबर्न रेनेगेड्स वुमन के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रहेगी यहाँ पर एडिलेड ओवल एडिलेड की, आपको यहाँ पे तरह से दिखने वाली है। जिस पिच की दोस्तों खासियत क्या है, जो पिच है ना दोस्तों एडिलेड ओवल की, ये पिच दोस्तों बहुत बढ़िया होती है बैटर्स के लिए, स्पेशली वुमन मैचेस के अंदर। यहाँ पे दोस्तों रन्स बनते हैं, पर एक हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है, चीज आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पे दोस्तों बॉलर्स को भी मदद मिलती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो यहाँ पे दोस्तों चेस करना पसंद करेगी। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर ना लास्ट 15 वुमन मैचेस के अंदर क्या होता है आपको पता है, जो टीम चेस करती है भाई साहब 12 मैच जीती है। जो टीम बैट फर्स्ट करी यहाँ पे दोस्तों 3 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 15 गेम्स इन वुमेन्स T20 गेम्स। तो आप समझ सकते हो सिंपल फॉर्मूला है, टॉस जीतो आप दोस्तों चेस कर लो। और यहाँ पर ना पिच दोस्तों थोड़ी सी स्लो सकती है, इसका रीजन क्या है दोस्तों आपको पता होगा, पिछले 7 दिन के अंदर ना यहाँ पर मेन्स बिग बैश लीग के 3 मैचेस खेले गए थे बैक टू बैक डेज के ऊपर। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों पिच के ऊपर थोड़ा सा वियर एंड टियर हो सकता है। तो दोस्तों आप पिच को यहाँ पर देख सकते हो, ये दोस्तों लेटेस्ट फोटो है पिच की, जो लास्ट मैच दोस्तों पे खेला गया था सिडनी सिक्सर्स का मैच होता ना दोस्तों, जिसके अंदर रियान कॉकबेन ने एक बहुत अच्छी नॉक खेली थी 75 की, तब की दोस्तों पिच की फोटो है। यहाँ पर फवाद अहमद ने 3 विकेट निकाले थे। तो पिच दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे स्लो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 7 दिन के अंदर 3 मैचेस खेले जा चुके हैं। तो आप दोस्तों पिच को यहाँ पर देख सकते हो, ऐसी पिच दिखेगी दोस्तों यहाँ पर, बढ़िया पिच है वैसे देखा जाए तो। विकेट्स गिरते हैं दोस्तों, बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर। अब देखो बाउंड्री डायमेंशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे सामने की बाउंड्री 82 मीटर की देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज एक तरफ 64 मीटर है, एक तरफ दोस्तों 67 मीटर है। पर ये दोस्तों वुमन का मैच है, लड़कियों का मैच है, तो आप यहाँ पे हर एक बाउंड्री डायमेंशन में से 10 या 15 मीटर माइनस कर देना, क्योंकि वुमन मैचेस में दोस्तों बाउंड्री थोड़ी सी छोटी होती है। बस स्क्वायर बाउंड्री तो बराबर ही रहेगी, सामने की बाउंड्री को छोटा करा जाएगा, क्योंकि दोस्तों सामने बहुत बड़ी बाउंड्री है 80 मीटर, वुमन मैचेस में इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं होती है। बात करेंगे दोस्तों पे स्टेडियम की, देखो ऐसा दिखेगा दोस्तों। स्वागत आप सब कैशस के अंदर, ये दोस्तों वुमेन्स का पहला एशेज का T20 मैच है, इसका दोस्तों अपन आगाज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है। ये दोस्तों वेन्यू है एडिलेड ओवल, बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्टेडियम है, मजा आएगा दोस्तों उस मैच के अंदर। भाई साहब ये दो टीम्स है, एक तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दिखेगी, एक तरफ आपको इंग्लैंड दिखेगी, दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स इन द वुमेन्स T20 क्रिकेट अपन कह सकते हैं। तो मजा आएगा दोस्तों उस मैच के अंदर। अब देखो वेन्यू दोस्तों एडिलेड ओवल है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है इस वेन्यू के ऊपर ना, एडिलेड ओवल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है दोस्तों, 3 मैच हारे हैं ऑस्ट्रेलिया ने, चिंता की बात है यहाँ पर। वहीं दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड ने 1 मैच खेला है और दोस्तों 1-1 मैच जीता है इंग्लैंड वुमेन्स ने। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक ऑब्जर्वेशन थी दोस्तों, ये मैंने ऑब्जर्वेशन इस साल जो वुमेन्स बिग बैश लीग हुआ था ना 2021 के अंदर, तब को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी। आप पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ मैंने कि लास्ट 8 गेम्स के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ना ज़्यादातर सिर्फ 3 ओपनर्स ने यहाँ पे 30+ स्कोर करा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पहली पारी के अंदर ओपनर्स को दिक्कत होती है, आमतौर पर वो बड़ा नहीं खेल पाते, यहाँ पे बड़ा स्कोर नहीं कर पाते पहली पारी के अंदर इस वेन्यू के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो टीम चेस करती है उनके ओपनर्स यहाँ पे वुमन मैचेस में अच्छा करते हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। ये दोस्तों हर बार सही उसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों सही होती है ये ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर जो टीम बैट फर्स्ट करी है 3 मैच जीती है, जो टीम दोस्तों चेस करती है 12 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 15 गेम्स। औसतन स्कोर दोस्तों 120 से 140 बनेगा, हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है इतना ज्यादा, ये बस यहाँ पे बन जाते हैं दोस्तों 150 के आसपास स्कोर। अब देखो लास्ट 13 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ था, पेसर मतलब तेज गेंदबाज 82 विकेट्स है, पहली पारी में 42, दूसरी पारी के अंदर 40 विकेट्स है। राइट आर्म पेसर्स ने सारे के सारे विकेट्स निकाले 82, लेफ्ट आर्म पेसर ने एक भी विकेट नहीं निकाला यहाँ पर वुमन गेम्स के अंदर।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं स्पिनर्स की, तो लास्ट 13 मैच के अंदर स्पिनर्स ने 45 विकेट निकाले, पहली पारी के अंदर 30 है, दूसरी पारी के अंदर 15 है। ऑफ स्पिनर्स के 18 विकेट है, लेग स्पिनर्स के 22 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 5 विकेट है। और यहाँ पर आपको दोस्तों पता ही होगा कि वुमेन्स बिग बैश लीग के अंदर अमांडा विलिंगटन को दोस्तों 5.6 डिग्री का टर्न देखने को मिला था एक मैच के अंदर। देखते हैं दोस्तों कैसा टर्न देखने को दोबारा मिल सकता है। दोस्तों बहुत शॉकिंग स्टैट्स था वो कि 5.6 डिग्री का बॉल टर्न हुआ था यहाँ पर, इतना ज़्यादा टर्न हुआ था। ठीक है, अब देखो जो लास्ट मैच खेला गया था यहाँ पे 25 नवंबर की बात है, नॉकआउट मैचेस हुए थे वुमेन्स बिग बैश लीग के, एडिलेड स्ट्राइकर वुमन वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स वुमन के बीच में मैच था। उस मैच के अंदर 6 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाला था और दोस्तों 1 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। सन्नी वेदर दोस्तों, पूरी महफिल यहाँ पे सजी हुई है इस मैच के लिए, मजा आएगा इस मैच के अंदर, बढ़िया वेदर फोकस्ट आप देख सकते हो। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, आपको दोस्तों पता ही ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं किसकी, न्यूज़ की, बड़ी बड़ी दोस्तों न्यूज़ आ रही है यहाँ पर, उससे पहले वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो यार, वही कहूँगा आपसे, बड़ी मेहनत लगती है। मैं दोस्तों आपको अभी बताऊंगा मैचअप्स वगैरह वुमन का, उसके अंदर भाई साहब मेरे कम से कम 8-9 घंटे गए थे वुमन मैचेस के अंदर, बहुत तगड़ा दोस्तों काम था। आपको बताऊंगा क्यों इतना टाइम लगता है। ऑस्ट्रेलिया वुमन की बात करते हैं, वीडियो जो बना रहा हूँ दोस्तों स्टैट्स निकाल लेते हैं, मैंने बताऊँ कब से चालू करा था, आज की तारीख क्या है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तब तारीख आप देखो यहाँ पर क्या, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आज दोस्तों 19 जनवरी है, ये वीडियो की दोस्तों मैंने तैयारी 3 दिन पहले करी थी, 16 जनवरी से मैंने तैयारी चालू कर दी थी, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि कितना समय लगता है हर मैच की दोस्तों डेटा निकालने में। बेतमुनी की बात करते हैं, सर्जरी हुई थी दोस्तों उनकी, फ्रैक्चर हुआ इनका जॉ, नेट के अंदर दोस्तों बॉल लगी थी इनके चेहरे के ऊपर जब ये लोग ड्रिल्स वगैरह कर रहे थे दोस्तों, थ्रो डाउन कर रहे थे वहाँ पे। सोफिया मोलोनी दोस्तों बाहर हो चुकी है फुट इंजरी के कारण, एल्ला किंग का मैडन कॉलअप है, स्क्वाड के अंदर दोस्तों रैचल हेनिस आ रही है, जेस जोनसन आ रही है, मैगन शाउट आ रही है, इंग्लैंड वुमन चार्ली डीन, निया बाउचर दोस्तों दो यंगस्टर्स को ये लोगों ने ऐड करा है स्क्वाड के अंदर। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 37 मैच खेला है T20I के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वुमन 18 जीती है, इंग्लैंड वुमन 19 जीती है, दोस्तों टक्कर का मैच है, दो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीम्स यहाँ पे कम्पीट करेंगी। अब देखो यहाँ पे अलाइस एली ओपन कर देंगे यहाँ पे रैचल एनिस के साथ, क्योंकि दोस्तों बेतमुनी बाहर हो चुकी हैं, तो सीधी बात है कि आप रैचल एनिस को ओपन कराओ या फिर दोस्तों तलिया मगराथ को ओपन कराओ, देखते हैं दोस्तों कौन ओपन करता है। फिर आएंगे यहाँ पे मैकग्लेनिंग कैप्टनसी करी है, एशले गार्डनर है, ये दोस्तों कभी कभी वन डाउन आ जाती हैं जब इनको अटैक करके खेलना होता है, इसलिए मैंने ऐसे ऊपर एक का निशान मारा हुआ है। एलएस वेरी, तलिया मगराथ, निकोला कैरी, जय जनसन, टेन नवल में कैलना किंग, मैगन शाउट। अब देखो होम ग्राउंड किसका है, ये दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स का होम ग्राउंड है, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेयर कौन कौन है, तलिया मगराथ है, मैगन शाउट है, डरेस ब्राउन है, और दोस्तों ऐसा आपको इंग्लैंड की तरफ से दिखेगी टैमी बॉनट, ठीक है, बाउमंट। अब देखो यहाँ पे दोस्तों प्रमुख गेंदबाज रहेंगे मेरे हिसाब से, जय जोनसन के 4 ओवर ले लो, एल्ला किंग के 4 ओवर, मैगन शाउट के 4 ओवर, टेलेना वेलमेक के 4 ओवर, अब जो पति दोस्तों 4 ओवर डालेंगे निकोला कैरी, एलाइस पेरी, एशले गार्डनर, तलिया मगराथ। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, गिव अवे है यहाँ पे मैकग्लेनिंग के ऊपर, आपको बस कमेंट करना है कि मैकग्लेनिंग कितने रन बनाएंगी। इंग्लैंड की बात करते हैं, टैमी बॉनट ओपन करेंगे डैनी वाइट के साथ, नैट सीवेरेट, हिदर नाइट है, एमी जोन्स, सोफिया डंकली, कैथरीन ब्रंट, सोफिया क्लेस्टोन, सारा ग्लेन, तेज फ्रांट, मैडी विलियर्स, प्रमुख गेंदबाज रहेंगी तेज फ्रांट, सारा ग्लेन, क्लेस्टोन और यहाँ पे कैथरीन ब्रंट। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, प्रैक्टिस मैचेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कल के दिन दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमन ने ऑस्ट्रेलिया ए वुमन के साथ प्रैक्टिस मैच खेला था, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वुमन ने ऑस्ट्रेलिया ए जो ए टीम होती है उसके साथ प्रैक्टिस मैच खेला था, सेम इंग्लैंड वुमन ने भी खेला था इंग्लैंड ए के साथ। तो देखो यहाँ पे एलएस एली ने 25 करे और करा 99 नाबाद 62 गेंदों में, 3 प्रैक्टिस मैच हुए थे दोस्तों वैसे देखा जाए तो, एलएस एली ने 1 करा था यहाँ पे, मतलब रैचल एनिस ने, गार्डनर का दोस्तों यहाँ पे 64 नॉट आउट था प्लस 2 विकेट थे, तलिया मगराथ का 31 था, 25 था यहाँ पे, निकोला कैरी का 28 था, जय जोनसन का 1 विकेट था 27 रन के 4 ओवर में, एल्ला किंग ने 22 रन के 1 विकेट निकाला, ग्रेस हैरिस को बोल्ड करा था। बात करते हैं इंग्लैंड वुमन की, तो यहाँ पे दोस्तों टैमी बॉनट ने 6 रन करा था, डैनी वाइट ने 2 करे, नैट सीवेरेट ने 71 बनाया था, 5.2 ओवर के अंदर 3 विकेट निकला, 28 रन के लोगों ने 35 ओवर का प्रैक्टिस मैच खेला था, ना कि T20 वाला। इधर नैट ने 57, एमी जोन्स ने 9, फिर यहाँ पर दोस्तों एक्लेस्टोन ने 3 विकेट निकाला 24 रन देके, अनायश रुबसुल ने 2 विकेट निकाला 32 रन देके, सारा ग्लेन का 1 विकेट था, ठीक है ये चीज़ आप देख सकते हो, सोफिया डंकली का 15 नाबाद था। बात करेंगे दोस्तों अभी किसकी, जब दोनों टीमें आपने सामने खेलती है तो क्या हुआ है, हेड टू हेड मैचेस के अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है। जब दोस्तों अलाइस एली खेलती है अगेंस्ट इंग्लैंड वुमन, तो 30 मैच खेले, क्षमा चाहता हूँ 30 मैच खेले, 17 की औसत है 401 रन, सब देखो कैसे रन बनाए, बैट फर्स्ट के अंदर अलाइस एली ने अगेंस्ट इंग्लैंड वुमन 15 की औसत रखी, 18 मैच में 207 रन है, वहीं दोस्तों चेस के ऊपर 19 की औसत था, 12 मैच के अंदर 194 रन है, तो दोस्तों चेस के ऊपर ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखी है एलाइस एली की। रैचल एनिस की बात करते हैं, 22 मैच यहाँ पर 23 की औसत है, 203 रन है, बैट फर्स्ट 38 और बैट सेकंड में 15 की औसत है अगेंस्ट दिस टीम, दोनों में इसने 11 मैचेस खेले हैं, बैट फर्स्ट में 113 रन है, बैट सेकंड में 90 रन है।
मैकलेन की बात करते हैं, इनका अगेंस्ट इंग्लैंड वुमन 28 मैच 42 की औसत है, 923 रन है। बैट फर्स्ट के अंदर 49 की एवरेज है, 16 मैच के अंदर 638 रन है। बैट सेकंड के अंदर 12 मैच में 32 की औसत है, 285 रन है। एशले गार्डनर आएंगी 12 मैच में 167 रन 18 की औसत 7 विकेट है। बैट फर्स्ट 33-28-27-10, इसके ऊपर 33 नाबाद 16-10-8-1-0। बॉल फर्स्ट के अंदर इसके अच्छे नंबर्स हैं, 7 मैच में 5 विकेट है। बॉल सेकंड के अंदर 5 मैच में 2 विकेट है। बात करेंगे एलाइस पेरी की, यहाँ पर 32 मैच 35 की औसत है, 417 रन है, बॉलिंग से 29 विकेट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका दोस्तों। बॉल मतलब देखो आप, जब ये बैट फर्स्ट करिए तो 20 मैच में 22 की औसत है, 177 रन है। वहीं दोस्तों दूसरी पारी के अंदर इनका 12 मैच के अंदर 60 की औसत है, 240 रन है, चेस के ऊपर कंसिस्टेंसी लाजवाब है। वहीं दोस्तों आप देखो, जब ये पहले गेंदबाजी करती है तो और अच्छे नंबर्स हैं, 12 मैच में 11 विकेट हैं। बॉल सेकंड के अंदर 20 मैच में 18 विकेट्स हैं, 10 मैच के अंदर विकेटलेस भी गई हैं। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये मेरे हिसाब से बॉल फर्स्ट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एलाइस पेरी। वैसे दोनों पारी में अच्छा ही करा, ऐसा नहीं है अतरी मगरात इस टीम के खिलाफ नहीं खेला है। 2021 के अंदर फॉर्म देखो, 20 मैच में 57 की एवरेज थी, 427 रन 12 विकेट था, बहुत अच्छा फॉर्म था दोस्तों। सबसे बढ़िया फॉर्म इस टीम के अंदर 2021 के अंदर था तो दोस्तों तलिया मगरात का था। निकोला कैरी का 2 हेड टू हेड मैचेस के अंदर 3 रन और 0 विकेट है। जय जनसन की बात करते हैं, 22 मैच 18 विकेट से हेड टू हेड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बॉल फर्स्ट के अंदर 10 मैच में 8 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 12 मैचों में 10 विकेट है, 9 मैच के अंदर विकेटलेस गई हैं, विद द बैट 84 रन है। टेलेना विलियमिक का दोस्तों हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 विकेट, बॉल सेकंड 2 विकेट्स हैं। एलना किंग की बात करते हैं तो इन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं करा ऑस्ट्रेलिया के लिए, इनका 2021 के अंदर T20 के अंदर 14 मैच में 16 विकेट था। मैगन चाउट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मैच में 26 विकेट है अगेंस्ट इंग्लैंड वुमन, 3 मैच के अंदर मात्र विकेटलेस गई हैं। बॉल फर्स्ट के अंदर 14 विकेट है 8 मैच में, बॉल सेकंड के अंदर 12 विकेट है 9 मैचेस के अंदर। एनाबेल सदरलैंड के स्टैट्स दिए हैं, डेरिस ब्राउन के दिए हैं, हेरन डेलिंगटन के दिए हैं, बेथ मोनी के स्टैट्स में दोस्तों निकाल के रखे थे लेकिन इंजर्ड हो गई वो। स्टार्टिंग ओवर मैगन शाउट, टेलेना वलमिक है, जेस जेनसन है, एलाइस पेरी भी आती है। डेथ ओवर में मैगन शाउट है, जेस जेनसन है, एलना किंग या निकोला कैरी आपको दिखेंगे। बात करते हैं इंग्लैंड वुमन की, जब दोस्तों टैमी बोमन खेलती हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुमन, 14 मैच 16 की औसत है, 193 रन है। बैट फर्स्ट 43-17-9-6-5-4-4, जिसके ऊपर 58 नॉट आउट 32-8-6-1-0 है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इनका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुमन हेड टू हेड के अंदर। फिर बात करेंगे दोस्तों डैनी व्हाइट की, 31 मैच 19 की औसत है, 482 रन है। बैट फर्स्ट 18 की एवरेज है, 13 मैच में 214 रन है, जिसके ऊपर 19 की औसत है, 18 मैच के अंदर 268 रन है। तो दोनों पारी में समांतर ही लग रहा है। नेट सीवर की बात करते हैं, 23 मैच 24 की औसत है, 427 रन है, 18 विकेट्स हैं। बैट फर्स्ट के अंदर 11 मैच के अंदर 141 रन है, बैट सेकंड के अंदर 12 मैच में 286 रन है। तो बैट सेकंड में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। जब ये पहली पारी के अंदर गेंदबाजी करती है तो 12 मैचों में 12 विकेट है, तो ये भी दोस्तों थोड़ी बहुत ऐसी प्लेयर है कि जब नेट सीवर बैट सेकंड करे, मतलब पहली पारी में गेंदबाजी करती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। बॉल सेकंड के अंदर 11 मैचों में 6 विकेट है, 12 मैच के अंदर विकेटलेस गई है। हिदर नाइट 24 मैच 14 की औसत 29 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुमन, बैट फर्स्ट के अंदर 10 मैचेस के अंदर 20 की औसत है, 201 रन है। बैट सेकंड के अंदर भाई साहब मात्र 8 की एवरेज है, 14 मैच में 88 रन है, बॉलिंग से एक भी विकेट नहीं है। एमी जोन्स 10 मैच में 102 रन है, बैट फर्स्ट 19-14-12-10-4-4-0, चेस के ऊपर 30-9-0। डंकली की बात करते हैं, इनका दोस्तों 2021 के अंदर फॉर्म अच्छा था, 34 की औसत थी, 18 मैच के अंदर 341 रन थे। कैथरीन ब्रंट की बात करते हैं, 22 मैच के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुमन 193 रन है, 21 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेटलेस गई हैं। बॉल फर्स्ट 7 विकेट 12 मैचों में, बॉल सेकंड के अंदर अच्छे स्टैट्स हैं, 14 विकेट है 10 मैच में। एक्लेस्टोन की बात करते हैं, 12 मैच में 15 विकेट है, इस टीम के दोस्तों सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, T20 के नंबर 1 बॉलर है वर्ल्ड के अंदर। बॉल फर्स्ट के अंदर 5 मैच में 5, बॉल सेकंड के अंदर 10 विकेट है 7 मैचों में, 2 मैच के अंदर विकेटलेस गई हैं। सारा ग्लेन का यहाँ पर हेड टू हेड के अंदर 2 मैचों में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 विकेट, बॉल सेकंड में 3 विकेट है। टेज फरांड का 3 मैचेस के अंदर यहाँ पर 1 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर इसका 2 मैच में 0 विकेट था, मतलब 2 मैच में आई मीन 1 विकेट था बॉल फर्स्ट के अंदर, बॉल सेकंड के अंदर 1 मैच में 0 विकेट था। बात करेंगे मैडी विलियर्स की, 1 मैच के अंदर 2 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए हेड टू हेड के अंदर। फ्रेविडिस का 1 मैच में 1 विकेट है। अनाय शुरबुशूल का यहाँ पर 15 मैचों में 10 विकेट है। बात करेंगे यहाँ पे किसकी स्टार्टिंग ओवर, टेज फरांड है, कैथरीन ब्रंट है, नेट सीवर एक्लेस्टोन है, सेम दोस्तों कॉम्बो डेथोर में इनका रहेगा। बात करते हैं दोस्तों वेनिस स्टार्ट की, जब स्वैनी के ऊपर मैच हुए हैं आइडियली डोल के ऊपर, तो क्या हुआ आप देखो, यहाँ पर अलाइस अली ने यहाँ पर 15 मैच खेला, 18 की औसत है, 212 रन है। बैट फर्स्ट यहाँ पर देखो 51-41 नॉट आउट 23-17-2-0-0, जिसके ऊपर 41-17-12-8-0-0। रेचल एनिस की बात करते हैं यहाँ पे, तो 6 मैच के अंदर यहाँ पे 50 रन है, बैट फर्स्ट करा हर बार 5 पारियों में बैट करें 17-15-13-3 नाबाद 0।
मैगलन इंक का 11 मैच के अंदर 251 रन है, 25 क्रॉस है, द बैट फर्स्ट 74-45, नबा 24-17-12-10-9-4-1, चीज के ऊपर 50-5 है। गार्डनर ने यहाँ पे 9 मैच खेले हैं, 29 की औसत है, 177 रन है, बैट फर्स्ट 72-49-26-0, चीज के ऊपर 22 नॉट आउट 8-0 है। पैरी की बात करते हैं तो 12 मैच के अंदर 257 रन है, 37 की औसत है, 5 विकेट्स हैं, बैट फर्स्ट 47-39 नॉट आउट 34-19-69, चीज के ऊपर यहाँ पे 48 नॉट आउट 36 नाबाद 5 है, और 8 मैच के अंदर यहाँ पे विकेट लस गई है। तनियम अग्रवाल 20 मैच 18 की औसत, 199 रन, 6 विकेट्स हैं। निकोला केरी का पे 4 मैच में 3 विकेट है, 65 रन विद द बैट, 1 मैच के अंदर विकेट लस गई है। जय जनसन का 7 मैचों में 7 विकेट, 3 मैच में विकेट लस गई है। टेलेना वेलमेक यहाँ पे नहीं खेली है। एल्ला किंग का 4 मैचों में 5 विकेट, 1 मैच के अंदर विकेट लस है। मैगन शाउट को 25 मैच में 20 विकेट, 11 मैच के अंदर विकेट लस गई, इनका होम ग्राउंड है। डेरेक ब्रॉन का भी होम ग्राउंड है, 3 मैच में 6 विकेट है। एनबल सदरलैंड का 5 मैचों में 9 विकेट है। डर्लिंगटन का 1 मैच में 3 विकेट, बॉल सेकंड, बेट मोनी दूसरा, खेलती तो मजा ज्यादा। T20 आई के नंबर 1 दोस्तों बैटर है वो, अच्छा मैच होता दोस्तों। एक तरफ टैमी मतलब एक तरफ दोस्तों होती कौन, बेट मोनी T20 आई के नंबर 1 बैटर, एक तरफ दोस्तों सोफिया एक्लेस्टोन होती जो T20 आई के नंबर 1 गेंदबाज है, मजा आता है मैचअप के अंदर। इंग्लैंड वुमन टैमी बॉरेंट का 9 मैच के अंदर 27 स्कोर था, 242 रन से अच्छे स्कोर से यहाँ पे, बैट फर्स्ट 45-30-17-5-2, चीज के ऊपर कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर है, 57-50-27-9 है। और इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या करा आप देखो, 67 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 18 की औसत ऑस्ट्रेलिया में, और 1138 रन है, ठीक है। इसी तरह आप सारे प्लेयर्स के ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स पढ़ सकते हो, नीचे मैंने लिखा हुआ है, आई वोंट बी रिपीटिंग अगेन। डेनी वाइट की बात करते हैं, 16 चेस के ऊपर है, 4 बैट फर्स्ट है, नेट्सवीर का 2 रन था यहाँ पर बैट फर्स्ट करते हुए, 0 विकेट था। हीदर नाइट का 2 मैच में 18 रन है स्वैनी के ऊपर, एमेजोन्स का 3 रन 1 मैच के अंदर, डंकली यहाँ पर नहीं खेली है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली है। कैथरीन ब्रंट का 5 मैचों में 4 विकेट, 32 रन 2 मैच के अंदर विकेट लग गई है। एक्लोस्टोन यहाँ पे नहीं खेली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 11 मैच में 17 विकेट है। सारा ग्लेन यहाँ पे नहीं खेली है एडिलेड ओवल के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में 21 मैच में 28 विकेट है। टेस्ट फ्रंट का ऑस्ट्रेलिया में 1 मैच में 0 विकेट है। मैडी विलियर्स का 1 मैच में 1 विकेट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बात करते हैं दोस्तों अभी इसकी मैचअप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैचअप्स, यहाँ पर आप देखो अलेस एली का स्ट्रगल किसके सामने है, नेट फ्यूरी के सामने, 102 गेंद 133 रन है, 5 बार आउट हुई है। ये दोस्तों ODI प्लस T20I के स्टैट्स हैं, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं ना मैचअप्स वाले, ये सारे के सारे वाइट बॉल के मैचअप्स हैं। तो आप देखो यहाँ पर नेट्स वियर 5 बार आउट कर चुकी है एलएस हली को, कैथरीन ब्रंट ने दोस्तों परेशान करा है, 157 गेंदों के अंदर 168 रन देके 6 बार आउट करा है एलएस हली को। एक्लेस्टोन ने भी दोस्तों 153 गेंद में 116 रन देके 3 बार आउट करा है। बात करेंगे यहाँ पे किसकी, रैचल एनेस्किन का स्ट्रगल दोस्तों, नेट्स वियर के सामने 94 गेंद 56 रन और 3 दफा आउट करा है। बात करेंगे यहाँ पे मैग्लेनिंग का स्ट्रगल है, एक्लेस्टोन के सामने 105 रन है 153 गेंद में 3 बार आउट हुई है। एशली गार्डनर वर्सेस आपको देखने को मिलेगा नेट्स वियर, 70 गेंद 93 रन है 3 बार आउट में है। एक्लोस्टोन ने 58 गेंद में 57 रन देके 3 बार आउट करा है। बात करते हैं एलाइस पैरी की, इनका सगला है नेट सीवियर कैथरीन ब्रंट के सामने, बेट मोनी दोस्तों बाहर ही चुकी हैं। टैमी बोनेट वर्सेस जैज एनसन, 171 गेंद 140 रन 6 बार आउट करा है। मैगन शाउट ने 201 गेंद के अंदर 145 रन देके 5 बार आउट करा है। एलाइस पैरी ने 236 गेंद में 158 रन देके 6 बार आउट करा है। टैनी वाइट वर्सेस एलाइस पैरी, जैज एनसन, मैगन शाउट का अच्छा मैचअप आप पढ़ ही सकते हो यार। नेट सीवियर का स्ट्रगल यहाँ पे एलाइस पैरी के सामने है, और दोस्तों का ज़्यादा दिक्कत जैज एनसन के सामने, 141 गेंद 126 रन 5 बार आउट करा है। आएंगी हीदर नाइट, इनका दोस्तों मैचअप है जैज एनसन के सामने, 181 बॉल 111 रन 3 बार आउट करा है। आएंगे फिर दोस्तों पे एमी जोन्स, इनका स्ट्रगल एलाइस पैरी के सामने है, 64 गेंद 30 रन और भाई साहब 6 बार आउट हुई है। गार्डनर ने इनको 3 बार आउट करा है, आई थिंक 4 पारियों में 22 गेंद में 29 रन है। कॉमन कैप्टन नेट सीवियर, एसले गार्डनर, बड़ी लिस्ट में दोस्तों बनाओ यहाँ पे नेट सीवियर, हीदर नाइट को, मैग्लेनिंग को, रेचल एनिस को, अलग जाना ट्राई करना, एक्लेस्टोन, मैगन शाउट, जैज एनसन को। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम, तो यहाँ पर दोस्तों कैप्टन है नेट सीवियर, वाइस कैप्टन गार्डनर है, यहाँ पर दोस्तों कैथरीन ब्रंट है, दोस्तों टैमी बोनेट को लेकर जा सकते हैं जिनका होम ग्राउंड है, मैग्लेनिंग, डैनी वाइट, रेचल एनिस, यहाँ पे जैज एनसन, मैगन शाउट, एक्लेस्टोन। अब देखो बड़ी लिस्ट में क्या करना है, वही कहूँगा दोस्तों आपको ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना दोस्तों, अपने दिल की सुननी है दोस्तों, लाइफ यही होती है। एलएस एली की बात करते हैं, टॉप मोस्ट पिक है, फॉर्म दोस्तों ठीक ही है इनका, इतना स्पेशल फॉर्म नहीं है, एक तरीके से कहूँ वुमन बीबैकिक में अच्छा नहीं किया था, हैंड इंजरी थी, लेकिन दोस्तों इंजरी से वापसी कर रही है, बहुत बेटर प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो एज ए नॉर्मल प्लेयर। कैप्टनशिप पिक तो दोस्तों मैं नाक के बराबर ही कहूँगा, क्योंकि सामने वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है। फिर बात करते हैं टैमी बोनेट की, होम ग्राउंड अच्छा कर सकती है, ट्राई कर लेना इनको, बेट मोनी बाहर है, वरना दोस्तों कैप्टनसी की प्रबल दावेदार होती है। डैनी वाइट इंपॉर्टेंट रहेंगी, लर्निंग दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रैचल एनिस आपके ऊपर निर्भर करता है, या फिर दोस्तों आप रोटेट कर सकते हैं अपने डंगली के साथ। आएंगे नेट सीवियर इंपॉर्टेंट रहेंगी, हिदर नेट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी, पर ये दोस्तों कभी कभी चलती है नाइट, आपको स्टैट्स दोस्तों खुद ही देख लेना पता चल जाएगा,
फिर आएंगे आप एलिस पेरी, ये भी दोस्तों थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रही है, देखते हैं दोस्तों क्या करती है। प्रैक्टिस मैचेस के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। फिर बात करते हैं गार्डनर की, यहाँ पर टॉप मोस्ट पिक रहेगी तालिया मगरा, दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म में। कैथरीन ब्रंट टॉप मोस्ट पिक है। निकोला कैरी को दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, बॉल फर्स्ट के अंदर डेथ ओवर में आ जाती है। एक्लोस्टन इंपॉर्टेंट है, जेनसन इंपॉर्टेंट, मैगन शॉट इंपॉर्टेंट है, शुरू शोले दोस्तों शायद खेलेगी, और दोस्तों वलेवनेक इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनके पास गति है, 127 kmph के आसपास डालती है दोस्तों। ये मेरे हिसाब से जो है ना, कौन है, क्या नाम था दोस्तों उसका, इस्माइल करके गेंदबाज है दोस्तों, शबनम इस्माइल, साउथ अफ्रीका वुमन के बाद वर्ल्ड के अंदर सबसे फास्टेस्ट बॉलर ही है, सेकंड फास्टेस्ट बॉलर है वर्ल्ड के अंदर। कैट ग्रोस शायद खेलेंगी। सारा ग्लेन दोस्तों अच्छी भी हो सकती है। हेड टू हेड के अंदर दो मैच में 5 विकेट है। एल्ला किंग कैन बी द ग्रैंड लीग पिक, क्योंकि दोस्तों एक बहुत अच्छी क्वालिटी लेग स्पिनर है। तेज फरहान भी ट्राई कर सकते हैं, उनके पास वेरिएशन है। द 100 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स चाहिए आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल पे दोस्तों न्यू तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय द एशेज। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।